ये बाथरूम में बॉडी गेट फिटिंग करने वाला हूँ। इस साइड बॉडी गेट आएगा और नीचे स्पाउट पॉइंट आएगा और ये ऊपर से जा रहा है, ये यहाँ पे रेन शावर आने वाला है। ये है बाथरूम का प्लान, आप एंड तक वीडियो देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। और ये है सारा सीरीज का पास किया हुआ है सारा मटेरियल का, और ये है बॉडी जेट का जिन्हों सीरीज प्लान दिया हुआ है। तो उसके बेस पे सबसे पहले प्लानिंग मेजरमेंट करके प्लानिंग के साथ मैं मार्किंग कर चुका हूँ। मार्किंग करने के बाद में सारा मशीन यूज हो चुका है, ठीक है, तो कटर मशीन मार चुका हूँ और उसके बाद में सारा किसी जानना है। अब बात तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये DTB बाथरूम है, 2 फुट सेंटर, ये सामने की दीवार से 2 फुट सेंटर में रेन शावर आने वाला है। तो सारे बाथरूम फिटिंग की पहले एडवांस मार्किंग करने के बाद कंसील कटिंग कर चुका हूँ। अब देखिए डाउन साइड कोल्ड, सॉरी ये डाउन साइड यू नो हॉट वाटर एंड अप साइड कोल्ड वाटर। हॉट वाटर नीचे से आके सीधा बेसिन में जा रहा है। ये आप देखिए बेसिन में यहाँ पे कोलर का बेसिन डाइवर्टर लगने वाला है, तो इसका राइट साइड में हॉट आता है, गर्म पानी की लाइन आता है, और लेफ्ट साइड में ठंडे पानी की लाइन आता है, और नीचे आउटलेट है फ्लोरिंग से 18 इंच, यानी कि जो यहाँ से टाइल्स फिनिशिंग है उससे 18 इंच, और जो बेसिन डाइवर्टर है उसकी हाइट है। यहाँ पे बेसिन डाइवर्टर आने वाला है, यहाँ पे टाइल्स फिनिशिंग अप टू 3 फुट 6 इंच, ठीक है, और ये फ्लोरिंग का ड्रेनेज है, इस शावर एरिया का फ्लोर ड्रेन है वेस्ट वाटर, एंड जो 110 mm के है वो मेन ड्रेनेज है, यहाँ पे WC आ रहा है, और इस साइड भी एक बॉडी हेड आ रहा है। बॉडी हेड यहाँ से बीम के साइड से क्लैंपिंग करके यहाँ से पॉइंट आएगा। जो ये हॉल है, जो ये हॉल है, इस हॉल में से 3 लाइन आएगा, एक लाइन यहाँ का बॉडी हेड में चला गया, उस लाइन में से कनेक्ट करते हुए वहाँ का बॉडी जेट में जाएगा, कहाँ का, यहाँ का। तो उस हिसाब से कंसील कटिंग किया हूँ, और एक दूसरा DTB का जो लाइन आएगा वो एक स्पाउट में रहेगा, और एक तीसरा जो DTB का लाइन आएगा वो रेन शावर में जाएगा। तो टोटल DTB में 2 इनलेट होता है हॉट एंड कोल्ड, और आउटलेट 3 रहता है, तो आउटलेट यहाँ से 3 आएगा। फिर से बता देता हूँ, एक स्पाउट आएगा और एक बॉडी जेट में आएगा और तीसरा शावर में जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से हॉल कटिंग किया हूँ। अपना DTV बाहर आने वाला है, वो कहाँ आएगा दिखाता हूँ, ये देखो डक पे आएगा, यहाँ पे मार्किंग किया हूँ, राइट साइड कोल्ड, नेक्स्ट हॉट, और 3 जो वाइट मार्किंग है वो 3 आउटलेट है, स्पाउट के लिए, बॉडी जेट के लिए, और एक रेन शावर के लिए। यहाँ से होके ओपन क्लैंपिंग के साथ
तो होता ही है। ठीक है, ये आप देखिए फ्लश टैंक का पार्टीशन वाल में इसको इंस्टॉल किया हूँ। सिंगल पार्टीशन वाल 5 इंच का है, सॉरी 6.5 इंच लगभग आ गया प्लास्टर के साथ में। तो अब देखिए सिंगल वाल में किस तरीके से इंस्टॉल कर चुका हूँ। और यहाँ पे WC का एक नल का पॉइंट आ रहा है जहाँ पे हेल्पो सेट आएगा। ओके, तो और WC के बाजू में एक मल्टी फ्लो ट्रैप है, और बेसिन का जो आउटलेट है वो यहाँ से होल कटिंग होके उस नैन ट्रैप में जाएगा। ओके ठीक है, तो ये रहा प्लम्बिंग रफ कटिंग का, रफ वर्क का सारा कंसील कटिंग।